हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी द क्वेश्चन। सो क्वेश्चन इज गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स। यहाँ पर दो स्टेटमेंट दिए, रीड करके बताना है। इन द लाइट ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो, कि कौन सा ऑप्शन में करेक्ट दे रिगार्डिंग दिस स्टेटमेंट्स। फर्स्ट वन इज टू टर्न्स ऑफ क्रैब्स साइकिल अकर पर ग्लूकोज मॉलिक्यूल। ये जो है ये सही दिया हुआ है, क्योंकि अगर हम देखें सबसे पहले जब ग्लाइकोलिसिस होता है, ग्लाइकोलिसिस जब होगा तो ग्लाइकोलिसिस से क्या होता है, यहाँ पर जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज सिक्स कार्बन कंपाउंड जो है, यहाँ पे मल्टीपल ये जो स्टेप्स होते हैं, यहाँ पे ये एंजाइम मीडिएटेड स्टेप्स हैं। अल्टीमेटली यहाँ पे फॉर्म क्या होता है, पाइरुवेट। सो टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पाइरुवेट, जो कि क्या है, थ्री कार्बन कंपाउंड है, यहाँ पे इसके टू मॉलिक्यूल्स फॉर्म हो रहे, टू मॉलिक्यूल्स। अब ईच मॉलिक्यूल जो है यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे एक यहाँ पे है एक, और दूसरा यहाँ पे, इसका पहले क्या होगा, इससे एसिडाइल कोए बन रहा है, इससे भी क्या बनेगा, एसिडाइल कोए। अब ये वाला जो है क्रैब साइकिल में एंटर कर रहा है, ये भी क्रैब साइकिल में एंटर कर रहा है, तो दो साइकिल हो रहे हैं यहाँ पे क्रैब साइकिल का। सही दिया है यहाँ पे, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल के लिए सही है। स्टेटमेंट टू, ईच टर्न ऑफ क्रैब साइकिल प्रोड्यूसेस थ्री NADH, वन FADH2 एंड वन ATP मॉलिक्यूल। ये जो है यहाँ पे जो है स्टेटमेंट सही दिया है, क्योंकि थ्री पॉइंट पे क्या हो रहा है, एक तो कौन सा, जब आइसोसिट्रेट से अल्फा कीटोग्लूटेट बन रहा है वहाँ पे एक NADH प्रोड्यूस हो रहा है, दूसरा कहाँ प्रोड्यूस होता है, अल्फा कीटोग्लूटेट से जब सक्सनाइल कोए बन रहा है, देन तीसरा कहाँ पे होता है, जब मैलिक एसिड से ऑक्सिलो एसिडेट बन रहा है तब हो रहा है। FADH2 एक कहाँ प्रोड्यूस होता है, जब सक्सिनिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड जो बनता है वहाँ पे एक FADH2 प्रोड्यूस होता है। देन एक ATP जो फॉर्म हो रहा है, ये कहाँ फॉर्म हो रहा है, ये जो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोलेशन से जो GTP फॉर्म होता है, उससे कपल रिएक्शन से ये फॉर्म हो रहा है, तो वो कहाँ पे, जब सक्सिनाइल कोए से सक्सिनिक एसिड बन रहा है। तो अगर हम देखें यहाँ पे, तो टोटल हमें पता है कि जैसे कि यहाँ पे तो सबस्ट्रेट लेवल से एक ATP और ऑक्सीडेटिव फॉस्फोलेशन से 3 × 3 9 हो जाएगा एंड 1 × 2 2, तो टोटल 12 ATP जो है प्रोड्यूस हो रहे हैं कुल मिला के एक क्रैब साइकिल से। तो ये जो है ये तो सही दिया है यहाँ पे कि 3 NADH, एक FADH2 और एक ATP, तो ये दोनों जो है करेक्ट स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट वन इज ट्रू बट स्टेटमेंट टू इज फॉल्स, ये गलत दिया हुआ है, दूसरा फॉल्स नियर टू है। स्टेटमेंट वन इज फॉल्स बट स्टेटमेंट टू इज ट्रू गलत है, स्टेटमेंट वन ट्रू है। बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर ट्रू, सही है, दोनों के दोनों ट्रू है। बोथ स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू आर फॉल्स, गलत है, दोनों के दोनों यहाँ पे फॉल्स दिया जबकि ट्रू है। करेक्ट आंसर टू दिस थर्ड वन, वो भी अंडरस्टूड द क्वेश्चन। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।